नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में, आपके साथ सुमन। आज की सबसे बड़ी खबर, 1 अप्रैल से घटेगी सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा। 12 घंटे काम और आधे घंटे का काम, ब्रेक, मोदी सरकार बदलेगी नियम। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ में मदद की बढ़ोतरी होगी। वही हाथ में आने वाला पैसा, टोक होम सैलरी घटेगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा बढ़ सकता है। यहां तक कि इससे कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक को डॉन वेजेज बिल, इन विधेयकों ने इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना के सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया गया है। ओएचएस कोड में ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच अतिरिक्त कामकाज को 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। इस ड्राफ्ट नियम में से किसी भी कर्मचारियों से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंध किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दोबारा ना भूलें। फिर से लौटेंगे ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ।